आज एक नारा लगाया जाता है, कहा जाता है राज तिलक की करो तैयारी। अरे डेमोक्रेसी में राज तिलक कब से होने लगा रे? दोस्तों पिछले दिनों जब से बीजेपी की तीन राज्यों में जीत हुई है, एक नारा है जो जीते हुए विधायक को खुश करने के लिए दिया जा रहा है। और आपने भी सुना होगा जब पिछले दिनों ही राजस्थान से जीते हुए एक बाबा के चमचों द्वारा दी जा रही थी, उस नारे में बोला जा रहा है कि राज तिलक की करो तैयारी। अब आप सोचिए हमारा देश जो कि एक लोकतंत्र है, ऐसा नारा लगाने वाले हमारे इस लोकतंत्र के रक्षक हैं या भक्षक? कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार महाराष्ट्र में एक भाषण के दौरान इन नए नवेले विधायकों के बारे में और ऐसे ऐसे नारा लगाने वालों के बारे में क्या कहा, आप खुद देखिए। आज एक नारा लगाया जाता है, कहा जाता है राज तिलक की करो तैयारी। अरे डेमोक्रेसी में राज तिलक कब से होने लगा रे? ये तो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में राजा पैदा होता है कि सेवक पैदा होता है? सेवक का राज तिलक होता है। आजकल नए किस्म के सन्यासी पैदा हो रहे हैं साहब, ये लोग हमारी संस्कृति का, हमारे इतिहास का, हमारी परंपरा का, हमारी पहचान का मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक कैसे उड़ा रहे हैं मैं आपको बताता हूं। ये धरती है संत तुकाराम की, ये धरती है गाडगे महाराज की, ये धरती है शिवाजी महाराज की, ये धरती है साहू जी महाराज की, ये धरती है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, अन्ना भाऊ साठे की, महात्मा फूले की, सावित्रीबाई फूले की। इस धरती पे लोक संस्कृति, लोक परंपरा ये है कि इस महाराष्ट्र की पहचान है भगवा। क्यों? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के झंडे का रंग था भगवा। इस महाराष्ट्र की धरती की पहचान है भगवा क्योंकि महात्मा बुद्ध के छीवर का रंग था भगवा। इस महाराष्ट्र की पहचान है भगवा क्योंकि जब देश आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, 18 साल 20 साल का मराठी नौजवान अंग्रेजों की तोपों के सामने सीना तान कर खड़ा था और हमारे झंडे का रंग है भगवा। आज मैं आपको याद दिलाता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज का भी राज तिलक करने से कुछ लोगों ने मना कर दिया था, इसीलिए उनको लोकनायक कहा जाता है, उनको क्रांतिवीर कहा जाता है। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, हमारे संविधान की व्यवस्था में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह सुनिश्चित किया है कि रोहित भाई का भी वोट एक होगा और आप सब लोग जो नीचे बैठे हुए हैं ना, आपका भी वोट एक होगा। यह हमारे संविधान की ताकत है, यह हमारे संविधान की ताकत है कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। यह इस जमहूरियत की ताकत है और इस जमहूरियत की ताकत की भाषा बदली जा रही है, इसकी तस्वीर बदली जा रही है, इसकी तकदीर बदलने की कोशिश की जा रही है। कैसे? हमारे आपके आंख में झूठ झोंक करके। और यह झूठ झोंका कैसे जाता है, एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुना देता हूं। मेरी दादी अक्सर कहा करती थी कि बेटा तालाब की तरफ मत जाना, उधर जो पीपल का पेड़ है उस पे भूत रहता है। मैं सुनता रहा सुनता रहा। मैंने एक दिन दादी से पूछा, दादी भूत देखी हो? बोली नहीं। तुमको कौन बताया? तो दादी बोली कि मेरी सास ने बताया कि उस पीपल के पेड़ पे भूत रहता है। हमने कहा तुम देखी कभी नहीं? बोली नहीं, हम कभी नहीं देखे कि उसमें भूत रहता है। तो हम बोले कि हम आज जाकर के देख लेंगे भूत है कि नहीं है। तो दादी बोली पागल हो, जो गया है सो लौट कर नहीं आया है। हमने कहा कौन गया है? बोली ये तो हमको याद नहीं है कि कौन गया है। मैं सोचता रहा, बचपन बीत गया, जब जवान हुआ तो मैं गया तालाब की तरफ उस पीपल के पेड़ को देखने के लिए। ना तालाब बचा था ना पेड़ बचा था, बस भूत की याद बची थी। इस बात से मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि आज दिन भर टीवी हमारे साथ साजिश क्या रचता है। यूक्रेन का चर्चा करेगा, उधर इजराइल का चर्चा करेगा, उधर जो है कभी पाकिस्तान का, कभी नेपाल का, कभी चीन का।
यह नहीं बताएगा कि ये बगल में जो केंद्रीय केंद्रीय वर्धा विश्वविद्यालय है ना, हिंदी विश्वविद्यालय, उसमें टीचर कितने हैं, उसमें लाइब्रेरी है कि नहीं है, उसमें पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, वर्धा में जो स्कूल है उस स्कूल में टीचर है कि नहीं है, टीचर को वेतन मिलता है कि नहीं मिलता है, आंगनवाड़ी के केंद्र में बच्चे पढ़ने आते हैं कि नहीं आते हैं, आंगनवाड़ी की सेविका को मानदेय मिलता है कि नहीं मिलता है, जो आपके आस पड़ोस में दुकानदार है उसको कितनी आमदनी हो रही है, जीएसटी से उसका भला हुआ है कि बुरा हुआ है, नोटबंदी के बाद काला धन आया है कि नहीं आया है, यह कोई सवाल नहीं बताया जाता है। क्यों? क्यों? क्योंकि यह कहानी ऐसी है ना कि हम दिन भर इस कहानी में उलझे रहेंगे और असली सवाल जो है हम कभी पूछेंगे ही नहीं। मेरा एक बड़ा जिगरी भाजपाई दोस्त है, नहीं वो भाजपा के लोग भी दोस्त हो सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। उसको एक दिन हम सीरियसली पूछे कि अच्छा एक बात बताओ, क्यों दिन भर भाजपा भाजपा करते हो? तो बोला देश का नाम हो रहा है। हमने कहे कहां, कोई आंकड़ा तो दो। तो बोला नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। हम बोले कैसे, ये बताओ तो हमको, हम भी मोदी मोदी करना शुरू कर देंगे, समझा तो दो कि हमको तरक्की हो कैसे रहा है। कहा कि हम जो है चांद पे चले गए। तो हम बोले मोदी जी चले गए। जो लोग ये कहते हैं कि बिल्ली के का रास्ता काटना अशुभ होता है, उनकी सोच से थोड़ी चांद पे पहुंचे हैं, उस सोच से चांद पे नहीं पहुंचे हैं, चांद पे इस सोच से पहुंचे हैं कि हम सत्य की खोज करेंगे। और सत्य क्या है आज हमारा? सत्य यह है कि लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षा दिनों दिन महंगी होती जा रही है, स्वास्थ्य की सुविधाएं महंगी होती जा रही है, किसान को उनके फसल का दाम नहीं मिलता है, कोई किसान अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता है, पीएम अपने बेटा को पीएम बनाना चाहता है, डीएम अपने बेटा को डीएम बनाना चाहता है, डॉक्टर अपने बच्चा को डॉक्टर बनाना चाहता है, एमएलए अपने बच्चा को एमएलए बनाना चाहता है, लेकिन कोई किसान अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता है। बोलिए सच है कि नहीं है? क्यों, क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इस देश में आंकड़ा यह कहता है कि अगर आप किसानी करेंगे तो आपको आत्महत्या करनी पड़ेगी, अपने ही खेत में अपनी ही पेड़ पे लटक करके आपको अपनी जान गंवानी पड़ेगी। आंकड़ा कहता है, आप महाराष्ट्र के नौजवानों की आत्महत्या की बात कर रहे थे, मैं आपको देश का आंकड़ा देता हूं। इस देश में एक घंटा से कम समय में, सिनेमा भी 3 घंटे का होता है, क्रिकेट मैच भी 5-6 घंटा चलता है, आप गर्लफ्रेंड से बतियाइएगा क्या साहब, तब भी आप 1 घंटा ज्यादा बतिया लीजिएगा, और 1 घंटे से कम समय में, घड़ी देख लीजिए अपना, जब से यह सभा चलनी शुरू हुई है अब तक इस देश के किसी ना किसी कोने में कोई ना कोई नौजवान अपनी जान ले चुका होगा। यह हमारा आंकड़ा नहीं है, सरकार का आंकड़ा है, एनसीआरबी का आंकड़ा है कि इस देश में रोज कम से कम 25 नौजवान आत्महत्या करते हैं रोज। यह चिंता की बात नहीं है? जिस देश में 12,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हों, रोज 25 जवान आत्महत्या कर रहे हों, हर मिनट किसी ना किसी महिला के साथ बलात्कार हो रहा हो, 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिलता हो, मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिलती हो, नौकरी करने के बावजूद आपके पास कोई सुरक्षा नहीं है, ना पीएफ मिल रहा है, ना ग्रेच्युटी मिल रही है, ना पेंशन मिल रहा है। यहां खड़े हैं, पेंशन मिलता है कांस्टेबल साहब? मिलता है कि नहीं मिलता है? अरे बोलिए ना, डर कह रहे हैं, अमित शाह थोड़ी देख रहा है, बोलिए। आप सोचिए इस बात को कि जो नौकरी करता है वर्दी पहन करके दिन रात, पार्टी किसी की हो, अपक्ष हो, विरोधी पक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, टोपी पहन करके डंडा लेकर के ड्यूटी में खड़े हैं, इनको पेंशन नहीं मिलेगा।
ये बेईमानी है कि नहीं है? यह बेईमानी हमारे आंख के सामने हो रही है, और जब आप टीवी खोलिएगा ना तो नाम हो रहा है कहां। आप अपनी हकीकत खुद से क्यों नहीं पूछते हैं? मेरे पिताजी कांग्रेस राज में मजदूरी करके घर बना सकते थे, हम भाजपा राज में एक तो नौकरी नहीं मिलेगी और घर बनाना तो छोड़ दीजिए, अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकते हैं, ऐसी हालत है। सरकारी स्कूल आप यह कह करके बंद कर दिए कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, सरकारी अस्पताल आपने यह बंद कर दिया कि सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होता है। मेरा एक प्रश्न होता है कि सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए, सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए, सरकारी सड़क नहीं होनी चाहिए, सरकारी बिजली नहीं होना चाहिए, सरकारी पानी नहीं होना चाहिए, तो सरकारी प्रधानमंत्री लेकर के ढोलक बजाएंगे? क्यों होता है सरकार? मैं आपको बताता हूं कि आमदार साहब को भी पेंशन और तनख्वाह हमारे आपके टैक्स के पैसे से ही मिलता है, और कांस्टेबल साहब को भी तनख्वाह और पेंशन हमारे आपके टैक्स के पैसे से ही मिलेगा। तो सरकार जो ये बेईमानी हमारे आंख के सामने कर रही है, इस बेईमानी को हमको देखना पड़ेगा। सरकार कहती है कि हम किसानों के खाते में 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि पहुंचा रहे हैं। मैं आपको आंकड़ा देता हूं, पिछले लगातार कई महीनों से सरकार ने जो किसानों को, शेतकड़ियों को किसान सम्मान निधि दिया है, उसमें दिया है 2,60,000 करोड़, और एक झटके में इस देश के जो बड़े धन्ना सेठ हैं, जो बड़े धन कुबेर हैं, उनका जो कर्जा माफ किया गया है वो है 10,60,000 करोड़। बाहरे कमाल, किसान को देने के लिए 2,60,000 करोड़ और बेईमान को देने के लिए 10,60,000 करोड़। हाय रे बेईमान, ये बेईमानी रोज बरोज हमारे देश में हमारे आंख के सामने हो रही है, लेकिन इसमें हम देख नहीं पा रहे हैं। देख इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमसे दिखाया नहीं जा रहा है, हमको छुपाया जा रहा है, सच बताया नहीं जा रहा है। सच क्या है? सच यह है कि आए दिन लोगों के रोजगार छीने जा रहे हैं। आप पहले इंजीनियरिंग कर लीजिए, इंजीनियरिंग करने के बाद लोग कहेगा एमबीए कर लीजिए, अगर एमबीए ही करना था तो इंजीनियरिंग क्यों करेंगे, और इंजीनियरिंग करने के बाद, एमबीए करने के बाद अगर फेना सरफ ही बेचना है तो उस दुकानदार में क्या कमी हो, तो बेच ही रहा है बिना एमबीए की डिग्री का फेना सरफ। फिर एमबीए का डिग्री करने के लिए हमसे 5 लाख रुपया क्यों लिए, इंजीनियरिंग की डिग्री करने के लिए हमारे मां बाप से 10 लाख रुपया क्यों लिए, और 10 लाख रुपया लेकर के, 5 लाख रुपया लेकर के, 15 लाख रुपया देकर के वो कागज का डिग्री लेकर के क्या करेंगे, हम भी प्रधानमंत्री की तरह झूठा डिग्री बनवा लेंगे फिर। ये देखिए आपकी मां बाप विवश हैं, मां बाप विवश हैं कि किसी भी तरह से बच्चों को पढ़ा दें। सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाई हो रही है तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दें। प्राइवेट स्कूल की हालत यह है कि पढ़ाना बच्चे को है, इंटरव्यू मां बाप का लिया जाता है। बताइए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के माता पिताजी का अगर इंटरव्यू लिया गया होता तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश के पहले कानून मंत्री बन पाते क्या? यह आज हो रहा है, यह आज इसलिए हो रहा है कि कोई भी परीक्षा सिलेक्शन करने के लिए नहीं होता है, रिजेक्शन करने के लिए होता है। हिंदुस्तान दुनिया का एकलौता ऐसा देश है जहां एग्जाम सेलेक्ट करने के लिए नहीं, रिजेक्ट करने के लिए लिया जाता है। हाय रे बेईमानी, यह ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि रोजगार नहीं है। रोजगार क्यों नहीं है? क्योंकि रोजगार के सारे साधन जमा करके, चोरी करके अपने दोस्त के खाते में पहुंचा दिया गया है। ठीक कहा सुनील साहब ने कि गांधी जी गुजरात से चल करके यहां वर्धा में आश्रम आकर के खोले। गुजरात से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। कन्हैया कुमार ने अपने भाषण में जो कहा, दोस्तों आजकल देश में यही हालात हो रखी है, लोगों को असली मुद्दों से भटकाकर धर्म के नाम पर उल्लू बनाकर वोट लेते हैं और जीतते भी हैं। अब देखना होगा कि आखिर लोगों की नींद कब खुलती है।
इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। जय हिंद, जय भारत। RTV न्यूज़ हिंदी, सच्ची खबर हर कीमत पर।